हेलो एंड वेलकम। आज मैं मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बताने वाली हूँ। ये स्वीट केस, इसमें हम चाहते हैं कि यूजर इनपुट से चॉइस लेके तीन प्रोग्राम इसमें बनाएंगे चॉइस के अनुसार। तो यहाँ पर चॉइस लेंगे, इसलिए इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS सोर्स क्लोज एक्सेप्शन। अब यहाँ पर बफर्ड रीडर बीआर इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन और इसके बाद अब सिस्टम आउट प्रिंट एलन यहां पर इस तरह से इसको कॉपी करके रख देते हैं कंट्रोल सी और इसके बाद यहां पर देते हैं और फिर यहां पर कंट्रोल भी और यहां पर वन फैक्टोरियल कंट्रोल भी यहां पर टू इवन ऑड और कंट्रोल भी थ्री प्राइम कंपोजिट और अब कंट्रोल भी और फिर यहां पर
15 देने के बाद बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, और यहाँ पर कंट्रोल भी, इंटर योर चॉइस, वन से तीन तक, और इसके बाद स्विच। यहाँ पर हम, यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक दबाएंगे तो ये फैक्टोरियल होगा, तो इस तरह से सेकंड ब्रैकेट अब केस वन, केस वन है मेरा कंट्रोल भी, यहाँ पर इंटर ए नंबर, हम ये नंबर इंटर करेंगे यूजर इनपुट से, और इसके बाद ये इसका फैक्टोरियल निकालेगा। तो इंट एक्स ले लेते हैं, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और इसके बाद बी आर डॉट रीड लाइन, और ये हो गया। अब यही वाला हम यहाँ पर कंट्रोल सी, ये चॉइस के नीचे यहाँ पर एक कर देते हैं कंट्रोल सी, यहाँ पर फिर सी एच बस, ये चॉइस लिए हैं, और केस वन में है एक नंबर लिए हैं। अब हमको निकालना है इस फैक्टोरियल, तो एक काम करते हैं इनिशियलाइज कर देते हैं, इंट फैक्ट इज इक्वल टू वन, फॉर इंट आई I is equal to, ये जो हम लिए हैं x, वो x I greater than or equal to 1 I minus minus, ये हो गया। अब second bracket फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, सिस्टम ऑफ प्रिंटलन डॉट प्रिंटलन को एक हम कमेंट में रख देते हैं, ताकि जब भी हमको जरूरत पड़े इसको कॉपी कर सके। अब ये कंट्रोल सी कंट्रोल भी यहां पर देते हैं
फैक्टोरियल रियल ऑफ ऑफ प्लस एक्स लिए हैं यहाँ पर इंट एक्स एक्स के लिए एक्स का फैक्टोरियल प्लस इज इक्वल टू प्लस फैक्ट ये हो गया ब्रेक केस टू केस टू केस टू में है फिर कंट्रोल भी यहां पर हम लेते हैं इंटर ए नंबर यहां से पूरा ये इंटर ए कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल भी इंटर ए नंबर तो x के जगह पर यहां सिर्फ y ले लेते हैं और इसके बाद हो गया इसको निकालना है कि इवन है कि ऑड इफ y modulus 2 equal to 0 तब हम करेंगे यहां पर control c control v even और इल्स कंट्रोल भी ऑड यहां पर हम लिख सकते हैं द नंबर इज इवन लेकिन उतना हम नहीं लिखते हैं इतना सुंदर ढंग से हम डेकोरेट कर सकते हैं लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लगेगा हम चाहते हैं कि जो बना रहे हैं वो दिमाग में आ जाए केस टू हो गया अब ब्रेक ब्रेक अब केस थ्री थ्री केस थ्री में फिर हम यहां पर इसको कॉपी कर लिए यहां पर पेस्ट कर दिए और यहां पर सिर्फ इंट y z ले लेंगे z लेने पर अब इसको प्राइम है कि प्राइम नहीं है वो देखना है इसके लिए फॉर इंट फॉर इंट आई इज इक्वल टू पहले ले लेते हैं टू क्योंकि वन और उस नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा प्राइम नंबर होगा तो और आई लेस देन जेड आई प्लस प्लस
आप यहाँ पर एक सी ले लेते हैं, इंट सी इज इक्वल टू जीरो, इफ जेड मॉड्यूलस आई इक्वल टू जीरो, मतलब भाग चला जाता है, तो C इज इक्वल टू C प्लस वन। ये फॉर लूप के बाद एक सेकंड ब्रैकेट ले लेते हैं और इसको बंद करते हैं। अब कंट्रोल C, if C equal to zero, control V, prime, और नहीं तो else कंट्रोल भी कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट और फिर हम इसको ब्रेक इल्स यहाँ पर देते हैं ब्रेक और फिर डिफॉल्ट कंट्रोल भी प्लीज इंटर राइट चॉइस। चॉइस यू वन टू थ्री और इसके बाद एक इसके बाद ब्रेक। अब कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। अब इसको हम लोग रन कराते हैं। इंटर योर चॉइस वन, इंटर ए नंबर फाइव, फैक्टोरियल हो गया। अब फिर हम इसको रन कराते हैं, तो इंटर ए चॉइस टू, इंटर ए नंबर 45 ऑड। अब फिर इसको क्लियर कर देते हैं और फिर रन कराते हैं। अब चॉइस थ्री लेते हैं और इंटर ए नंबर 34 कॉम्पोजिट, फिर क्लियर करते हैं और फिर इंटर करते हैं। अब दे देते हैं चार, प्लीज इंटर राइट चॉइस वन टू थ्री। थैंक यू।